अरे हमारे दोस्त हैं, आए हम लोग कुटी को घूमने देखने, कुटी के बारे में जानकारी भी लेने आए हैं। हेलो, हाय दोस्तों। हाय हाय। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक हमारे यहाँ की प्राचीन कुटी है, जो कि यहाँ बहुत ही पुरानी है, लगभग 130 सालों से यहाँ पे है और यहाँ बहुत खंडहर हो चुकी थी। तो मैं आपको दिखाऊंगा और इस समय का उसका हाल भी बताऊंगा कि इस समय कैसी है, और वहाँ जो साधु बाबा रहते हैं उनसे भी मिलवाऊंगा आपको, और उनसे उनसे सारी जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि वो जो भी जानते हैं स्कूटी के बारे में, और जब से रहते हैं तो आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था और कौन कौन से लोग आए थे और कौन कौन से लोग यहाँ पे रहे थे। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी साधु बाबा देंगे और वो बताएंगे और स्कूटी का हाल भी आपको दिखाएंगे। देखिए हम लोग साइड, ये आपको पीछे दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है जो इधर जो पेड़ है, यहाँ पे बहुत ही पुरानी कुटी है, जो कि हमारे दादा और दादाजी के पिताजी के ज़माने से यहाँ पे है। तो हमारे दादाजी बताते हैं यहाँ पे कि यहाँ बहुत बहुत ही पुरानी कुटी है और यहाँ पे पहले अंग्रेज़ भी आ चुके हैं, अंग्रेज़ भी यहाँ पे रह चुके हैं हमारे आज़ादी से पहले, और यहाँ पे हमारे जो कुछ क्रांतिकारी लोग भी यहाँ पे आके रह चुके हैं। और मेरे दादाजी बताते थे कि यहाँ उन लोगों का कुछ जो है कि सामान भी यहाँ पे मिला था जब ये कुटी खुली हुई थी। तो पहले के ज़माने में जब मेरे दादाजी के पिता उताजी रहते थे, तो उन लोगों के समय यहाँ पे कुछ क्रांतिकारियों के आने जाने का भी सिलसिला था। तो दोस्तों जो है कि हम आप लोगों को बता रहे थे इस कुटी के बारे में, हमारी प्राचीन कुटी जो कि हमारे गांव के करीब पड़ती है, ये बहुत ही प्राचीन कुटी है, लगभग 1887 के करीब की है। यहाँ पे एक बाबा जी भी रहते हैं बहुत ज़्यादा दिनों से। तो मैं आप लोगों को उनसे बात भी कराऊंगा और स्कूटी के बारे में कुछ जानकारी भी प्राप्त होगी। तो मैं आप लोगों को बाबा जी से भेंट करवाता हूँ और देखिए हमारी कुटी है। चलिए तो बाबा जी से आपको भेंट करवाता हूँ। तो बाबा जी, इस स्कूटी के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए, और आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। अब बात ऐसी है कि हम तो यहाँ 13 बरस से रहे हैं जी, और 1887 का इतिहास हमारे पास है जी। कुछ भी बता रहा है कि 1887 एक कुटिया एक बरामद है जी। इसके बाद जो है कि उन्नीस सौ तीस में जी, जी। एक क्रांतिकारियों के हाथ गई यहाँ पर, प्रकाशपत साहब जो थे प्रकाशानंद के नाम से जी। तो यहाँ के महंत थे और वही क्रांतिकारी का कांग्रेसी नेता बने, और झारखंडी राय जो है उसका यानी कि खुफिया एजेंसी बनी, और यहाँ पर भगत सिंह चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र यहाँ पर रोटी खाए, और यहीं से कांड हुआ है जो कि लखनऊ, बाराबंकी, नौतनवा, साजनवा, नंदगांव और चौरी चौरा फूका गया, अपना मधुबन थाना फूका गया, और इधर इंदारा फूका गया। ये सब कांड यहीं से हुआ है, और यहीं यानी कि 1942 में एक कुटी फूकी गई और इस पर झंडा लहराया गया, इस करके साधुओं को मार करके यहाँ से भगाया गया, और अंग्रेज जो है कि कुटिया को यानी कि भीटा बना करके छोड़ दिए। उसी भीटा पर यानी कि आज कुटिया बरामद नहीं हो रही है, जो कि यानी कि भीटे पर भीटा रह गया, और हमारे यहाँ के ऐसा यानी कि नेता लोग हुए कि जो कि भीटा को कुटी बना नहीं सकते जी, आज तक नहीं बना पाए जी। तो देखिए हम लोग बाबा जी के द्वारा सुने हैं कुटी का इतिहास, और बाबा जी हमें यहाँ के बारे में बताए हैं और ये कितना प्राचीन है, और किन किन लोगों के द्वारा ये बनाया गया और क्या क्या हुआ, और इसका इतिहास जो है। हमारे क्रांतिकारी लोग भी आए हुए हैं और यहाँ से रोटी भी खाए हुए हैं, तो उनके बारे में भी बाबा जी बताएं। बाबा जी के पास जितनी जानकारी थी तो आप लोगों को मिली है यहाँ से। देखिए हमारी कुटी है, इस समय ये कुटी कबीर विज्ञान आश्रम ट्रस्ट के नाम से है, और ये ग्राम कटवास इंदारा मऊ में पड़ता है, और ये भारत के क्रांतिकारियों के गुप्त केंद्र के रूप में कटवास कुटी ये है मानी गई है, जो कि बाबा जी ने बताए हैं यहाँ पे।
अब मैं आप लोगों को स्कूटी को चारों तरफ से दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों की स्कूटी को दिखा दे रहा हूँ। देखिए देखिए, ये हमारी स्कूटी है, बहुत सालों से पुरानी, बहुत ही पुरानी, और लगभग 1887-88 करीब से बाबा बताए हैं। और ये यहाँ पे 11 सालों से 13 सालों के लगभग से रहते हैं, और इसकी जो जानकारी बाबा को है वो हमें बताए हैं, शेयर किए हैं इस वीडियो में। तो आप लोग देखिए स्कूटी को चारों तरफ से, और इस बाबा जी जब से यहाँ पे रहते हैं तो स्कूटी का हाल भी अच्छा है। 130 साल हो गए हैं स्कूटी को, और आज ये कितनी सुरक्षित है, जो कि इन बाबा जी के कारण हुआ है। और आप इसे स्कूटी को देख भी सकते हैं कितनी अच्छी हालत में इस समय है, लगभग 130-135 सालों से स्कूटी है और कितनी अच्छी हालत में है। और यहाँ के, यहाँ पे बहुत सारे क्रांतिकारी भी आ चुके हैं, और यहाँ से बाबा जी बताए हैं कि कितने कितने कांड, मधुबन कांड और इंदिरा कांड, जो आग लगी हुई थी, ये सब यहाँ हुआ था, यहीं से सब उसका संचालन हुआ था। यहाँ पे जो हमारे क्रांतिकारी आए थे यहीं से उसका संचालन किए थे। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको एक समाधि भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक समाधि है, स्वर्गीय श्री नागेश्वरी देवी जी का समाधि है, जो कि सन 1960 में इनका मृत्यु हुआ था, 1960 में इनका मृत्यु हुआ था। और इस समाधि का निर्माण जो है कि सन 2010 में इस समाधि का निर्माण हुआ है यहाँ पे। और देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, और मैं आपको, आप लोगों को ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इनकी उपस्थिति में ही जब ये छोटी थी तो इस कुटी का निर्माण हो रहा था, इस कुटी का, जो हमारी प्राचीन कुटी है, इसका निर्माण हुआ था इन्हीं के समय का। यह एक उनकी जो है कि गवाह के रूप में समझ लीजिए कि आए, और उनका, उन्हीं के रूप में, उन्हीं के समय इसका निर्माण हुआ था। और इनका जो है कि मृत्यु लगभग 1960 ईस्वी में हुआ है, तो ये 85 वर्षों तक इस कुटी के देख रेख में थी, और इनकी समाधि यहीं पर है। देखिए लगभग 2010 में इनकी समाधि यहाँ पे बनी है, पहले से ही थी तो लोगों को यहाँ जानकारी नहीं थी, और उसके बाद जब लोगों को जानकारी हुई तो इसे लोगों ने बनवाया। ये देखिए कुटी का हाल, देखिए दोस्तों इसमें जब से यहाँ बाबा जी रहते हैं लगभग 13 सालों से, तो यहाँ पे कुटी का हाल जो है कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत दिख रहा है। और इससे पहले यहाँ पे बहुत झाड़ियाँ हुआ करती थी और कुछ कतरे से ढकी हुई कुटी थी, यहाँ पे कोई लोग आते जाते भी नहीं थे। और इस समय कुटी का हाल देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा सीन यहाँ का लोकेशन है। देखिए यहाँ पे सरकारी नल भी लगा हुआ है, और नल की स्थिति भी इस समय बहुत अच्छी है। यहाँ पे पेड़ पौधे भी अच्छे अच्छे लग चुके हैं और इनका विकास भी हो चुका है, तो इस समय कुटी की स्थिति बहुत ही अच्छी है। और देखिए इसका लोकेशन, बाबा जी के उपस्थिति में ये कुटी का देख रेख बहुत अच्छे से हो रहा है, और ये जितनी पुरानी कुटी है लगभग 130-135 सालों से, तो इसका हाल बहुत ही खस्ता हो जाना चाहिए था, पर इस समय अभी सही है, तो वही बहुत है। देखिए चारों तरफ से मैं आपको कुटी को दिखा देना चाह रहा हूँ, देखिए चारों तरफ से कुटी, इस समय अभी भी कहीं से भी थोड़ा भी डैमेज नहीं हुआ है कुटी को। ये हमारे क्रांतिकारियों की कुटी है, और इसे हम बहुत सम्मान से याद करना चाहते हैं, और हमें याद भी रहे ऐसा हम चाहते हैं। देखिए ये कुटी के बगल में एक तालाब है, देखिए ये तालाब कितना खूबसूरत लोकेशन है इसका, इस कुटी का। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।